अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी दांत को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वे बस चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है आलू मटर गोश्त। इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को मटन आलू भी बनाना सिखाया हुआ है और सिंपल आलू गोश्त भी सिखाया हुआ है, लेकिन आज की जो सी हमारी रेसिपी वो मटर के हवाले से हम लोग इसके अंदर जो एडिशन कर रहे हैं वो मटर का है कि आज हम आप लोगों को आलू मटर गोश्त बनाना सिखा रहे हैं। तो इसकी रेसिपी क्या है ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने आधे चम्मच ना हल्दी का डाल दिया, एक चम्मच थोड़ा सा ज्यादा डाल मिर्च, सवा चम्मच कह सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि शोरबा होगा ना इसमें ज्यादा डलेगी। एक चम्मच नमक, ठीक है। तो आप इससे पहले बता दें, मतलब आपने जो प्याज और हाँ, गोश्त के इसे हवाले से आप बता दें। दो प्याज लिए थे, ये देखिए मैंने ये डाला है लहसुन अदरक। ओके, लहसुन अदरक तकरीबन हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने लिया है। एक चम्मच डाल दिया, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, नमक मिर्च हल्दी और प्याज। प्याज हमने कितना लिया था? प्याज हमने तीन लिए थे, प्याज हमने तीन तक लिए थे। बाकी गोश्त आप लोग अपनी मतलब क्वालिटी के हिसाब से आपने उसकी क्वान्टिटी करनी है वो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो इसको अब हम लोग पकने के लिए रखते हैं। और आप लोगों ने भी बस कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली, क्योंकि वो रेसिपी है आलू मटर गोश्त। तो व्यूवर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो गोश्त है उसको पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सी हमारी आज की रेसिपी है वो आलू मटर गोश्त की है। तो गोश्त को पहले हम लोगों ने नमक मिर्च डाल के रख दिया पकने के लिए। गोश्त तकरीबन यहाँ जो है वो गल चुका है। अब मज़ीद इसको थोड़ी देर हम लोगों ने पकाने के बाद ताकि जो उसका पानी है वो खुश्क हो जाए और हम लोग जो अपनी रेसिपी है कि हम लोगों ने क्योंकि मटर और आलूओं के साथ आज इसको बनाना है, तो आप लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने मटर किस टाइम डालने हैं, आलू किस तरह डालने हैं और किस तरह की जो मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और वीडियो को पूरा देखना है। ये देखो पानी सूख रहा है, इसका गोश्त भी गल गया। अब ना इसमें ना मैं मटर डाल देती हूँ। तो हम लोगों ने गोश्त के बाद आप लोग व्यूअर्स देख सकते हैं कि मटर हम लोगों ने शामिल किए हैं, आलू मटर। आलू हम लोग क्योंकि मटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे तो आलू हम लोग इसको लास्ट में मतलब ऐड करेंगे आलू। हाँ जी, अभी मुझे मतलब पानी खुश्क नहीं हुआ था, थोड़ा सा पानी था, तो इसी दौरान हम लोगों ने जौन सा है मटर भी जरा सा से हो जाए ना डाल दी ताकि जो मटर है वो भी हमारे तैयार हो जाए। तो अब हम लोग इसको गलने के लिए रख देंगे। हाँ जी, बस फिर आलू डालते हैं, थोड़ा सा पानी सूख जाए ना, तो थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए हम लोग फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। मटर हम लोगों ने पहले डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। टमाटर भी डाले हुए हैं हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखा तो आपको आइडिया होगा कि हम लोगों ने जो से मज़ेदार से आलू मटर गोश्त की रेसिपी इसको कैसे तैयार किया है। तो अगर व्यूअर्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इस तरह की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी जो बिल्कुल आप अगर स्टार्टिंग में हैं, आपने कुकिंग को स्टार्ट किया है तो आप बनाना सीख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं कि हम लोगों ने कितनी देर के बाद, 5 मिनट के बाद या जब ये पानी खुश्क हो जाएगा इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। ये मैंने आलू डाल दिए हैं, अब मैं आलू डाल के भूनूंगी, फिर मैं ना घी डालूंगी इसमें। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने गोश्त को पकाया, उसके बाद हम लोगों ने मटर डाले और लास्ट में हम लोगों ने आलू डाले हैं, इसके बाद हम लोगों ने घी डालकर इसको पकाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल आलू डाले हैं, थोड़ी देर पकने का वेट करेंगे क्योंकि आलू को थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने के दौरान। फिर जो घी है तब डालते जब मतलब फाइनल होने वाला होता है, उसकी भुनाई करने के बाद जो हमारी डिश होती है वो रेडी हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, आम दिनों में लोग खाते हैं सर्दियों में ये खाना। तो थोड़ा सा डिफरेंट भी होगी क्योंकि हम लोगों ने पहले आपको मतलब गोश्त की रेसिपी भी सिखाई हुई है, आलू गोश्त भी सिखाया हुआ है, तो ये आज हम लोगों ने आप लोगों को मटर आलू गोश्त भी सिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये भी जो सी रेसिपी है वो अच्छी लगेगी। अच्छा, ये ज़ीरा हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया। तो पानी अभी पक रहा है, यहाँ पे इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, थोड़ी सी हम लोग देर वेट करेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। हम लोगों ने कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करना है। ये
मैंने ऑयल डाल दिया दो डोइए, ठीक है, दो मतलब बड़े चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर कुकिंग ऑयल की शामिल कर दी है। अब इसे ना अच्छी तरह मैं भूनती हूँ, तो भूनने के बाद ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पानी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा शोरबा रखना पतला तो ज़्यादा पानी डाल दें, अगर कम रखना तो कम डाल दें पानी। मतलब आप लोगों ने जैसा मतलब आप लोगों को पसंद है कि आप लोगों ने कम सालन बनाना है या ज़्यादा बनाना है, जैसा भी है, और वैसे भी शोरबे में शफा है तो आप लोग उसको ज़्यादा भी बना नहीं, सकते हैं, कम पतला भी। पसंद करते हैं सालन, कई गाढ़ा पसंद करते हैं, हर बंदे की पसंद लहता लहता होती है। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह आप चाहते हैं आप उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। हाँ जी, ये घी आ जाए फिर ना इसमें पानी डाल के ना आलू गलने के लिए रख देंगे। मटर तो हो गए हैं, थोड़े से रहते हैं वो आलू भी कसर है उसमें, तो वो भी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो घी आने का वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने बस कुकिंग ऑयल शामिल किया है। हाँ जी। तो आप लोग चाहे मतलब घी भी शामिल कर सकते हैं या ऑयल, जैसे मतलब जो आपको मतलब बेहतर लगता है, जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में वही आप लोग ऐड कर सकते हैं। आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, मतलब आप लोग बस गोश्त को पकने के लिए रख दें और ये मटर आलू आप अगर इसमें रोटी भिगो के खाएं ना वो भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसमें शोरबे में। जी, रोटी भिगो के वो भी खा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि घी आ गया है और इसके अंदर बबल्स भरे, इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर एक कप जो पानी का है वो शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी थोड़ी बहुत कसर है मटर या आलुओं में वो भी तैयार हो जाए। तो उसके बाद जब ये पक जाएगा, इसको उबाला आ जाएगा, तो फिर हम देखेंगे इसका फाइनल लुक क्या होगा। इसको हम लोग धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे और आपको फिर दिखाते हैं। तो आप लोगों ने बस कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना कि इसका फाइनल लुक क्या होगा, मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखे पक रहा है। अभी आलूओं में ना थोड़ी सी कसर है, तो आलू अभी आलू मतलब नहीं गले, तो थोड़ी देर हम लोग इसको मज़ीद पकाते हैं, दो तीन मिनट तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह शक्ल भी बहुत प्यारी आ गई है और खुशबू बहुत ही आला और शानदार आ रही है। इसी तरह हम लोगों ने इसके अंदर धनिया हरी मिर्च डाल दिया है और अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे लास्ट पर। ये इसका फाइनल लुक है, तो इसको हम लोग अब हला कर डिश आउट करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी कि जो सी रेसिपी है हमारी आलू गोश्त और मटर की तैयार हो गई है। आप लोग इसे बनाएं और इंजॉय करें, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गया। तो इसको अब हम डिश आउट करें हम लोग। हाँ जी, आप आ जाएं तो ये देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस भी मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा हम लोगों ने ये सालन तैयार किया और खुशबू बहुत आला आ रही है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट पे गरम मसाला भी डाल दिया, तो इससे भी अपनी मर्जी से ज़्यादा पतला मतलब गाढ़ा सालन कर सकते हैं, वो आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने इसको मतलब कितना पतला करना है, गाढ़ा करना है, जैसा भी है अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं। तो वे चलते हैं उसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये फाइनल लुक है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आलू भी जो है वो माशाल्लाह गल गए हैं, जो गोश्त है वो भी बहुत मज़ेदार सा गल गया, तैयार हो गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। मटर भी गल गए हैं, तो मटर तो आप लोग मतलब फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, आप फ्रीज़ करके रख लें और जब आपका दिल करे तो आप मतलब वो बनाकर आप किसी भी हंडिया में उसको डालकर इंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों को वैसे भी आलू मटर पसंद होते हैं, तो अगर वो गोश्त नहीं खाते तो आप उनको मतलब मटर और आलू भी दे सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता, ताकि हम आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी जो सी रेसिपीज़ हैं वो सिखाते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो कुछ बहन भाई हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह वो भी सब पूरी करेंगे। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने वो मैसेज सारे पढ़ लिए हैं, वो कमेंट्स वगैरह। तो अगर कोई आप लोगों को और रिक्वेस्ट करनी तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी हवाले से कोई परेशानी हो या कोई समझ ना लगे तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ कैसे बनाई थी, या कहीं अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको आ रही है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। ये ले व्यूअर्स, ये इसका फाइनल लुक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है पसंद आएगी, पसंद आई होगी तो हमें अपने फीडबैक दें, इसको ट्राई करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमने इजाज़त है। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।